अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सैरीज के जायके में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। देखिए आज मैं क्या लेकर आई आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकर आए हैं बहुत ही धमाकेदार ये मटन अचारी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मटन अचारी, और जो कि हमने बनाया है हांडी में, जो कि बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है, खाने में एक नंबर है फ्रेंड्स। पसंद आए तो रेसिपी लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। और ये मटन अचारी हमने कैसे बनाया है और ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर हमारे साथ साथ हम ये इसे बनाते हैं कैसे बनाया है। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी पसंद आती लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। फैमिली फ्रेंड में शेयर भी किया करें। तो इसे बनाने के लिए जिस बर्तन में आपको बनाना है वो बर्तन आप ले लें, उसमें डालें सरसों का तेल। तो हमने यहाँ पर हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में, जो कि और भी इसका स्वाद जो है, इसका टेस्ट लाजवाब दोगुना बन के होगा। इसको बनाने के लिए हमने लिया सरसों का तेल, और इसमें डालें कुछ खड़े मसाले, जैसे कि जीरा है और एक चम्मच, और हमने काली मिर्च के दाने ले लिए हैं 8 से 10, और दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और जब मसाले क्रिकल हो जाएंगे तो उसमें हमने 4 बड़ा प्याज काट के वो डाल देना है। तो यहाँ पर प्याज की अगर हम क्वांटिटी करें तो इतनी होगी प्याज हमारी 400 ग्राम जितनी होगी, 350 से 400 ग्राम। तो ये प्याज काट के हमने डाल दिया है। और तेल जो है सरसों का अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरसों के तेल में इसका जो है टेस्ट जो है बहुत मज़े का बन के आता है फ्रेंड्स। अचारी गोश है जो ज़्यादातर अगर हो सके तो सरसों का तेल ही यूज़ करें कुकिंग में, जिसमें खाना बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। सरसों के तेल में बनाया हुआ खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पर हम प्याज डाल के प्याज को थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन फ्राई हम नहीं करेंगे जैसे कि हम करते हैं, बस थोड़ा सा ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन, जब तक कि हमें करना है। तो ये मटन है, मटन हमने धो के रख दिया है, और इसे हमने स्ट्रेनर में रखा था, पानी इसका सारा ड्राई हो गया है, फिर हमने एक बाउल में रख लिया है। तो मटन हमारा कम से कम 750 ग्राम जितना है। तो हमें देखिए यहाँ पर प्याज हमारा हो गया, बस इतना ही हमें चाहिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का हल्का सा देखिए गोल्डन दिख रहा है, बस पूरा इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। इसमें हम डाल देंगे मटन। तो ये मटन हमने धो के रखा था, आप इसे जो है चिकन में भी बना सकते हो फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर आप लोगों को चिकन अचारी की भी रेसिपी मिलेगी, और मैंने वहाँ पर शेयर करके रखी हुई है, देख लीजिएगा आप वहाँ पर भी, मैंने वहाँ पर रेसिपी दी हुई है आप लोगों को, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो मटन डाल करके हमें अच्छी तरह से मटन की बुनाई कर लेना है, और जिसका इसका पानी अच्छी तरह से सारा जो है सूख जाना चाहिए। तो मटन को अच्छी तरह से भून लेना है, जो अभी आपने मटन डाला है तो वाइट वाइट है, तो मटन आप भूनेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम मटन को भून लेते हैं, इसे भूनने में कम से कम 6-7 मिनट लगेगा। ये देखिए और मटन हमारा भून गया अच्छी तरह से, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस इसी तरह से मटन को भून लेना है आपको अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर ये जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये खाने वाला 4 चम्मच जो होता है हमारा, तो इससे हमने 2 चम्मच पहले लिया है, और फिर थोड़ा सा हमने और ले लिया है। तो अगर आपका बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच ले लीजिएगा, इनफ है, और नहीं अगर छोटा है तो आप 2.5 ले लें। तो यहाँ पर ये मैं जो है 750 यानी कि 3 पाव मैंने जो है चिकन मटन का मैं बता रही हूँ आपको। तो इसे डाल करके हम लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक में गोश्त को हम भून लेंगे, तो जिससे जो भी गोश्त की स्मेल है वो चली जाएगी। तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इसको दही ले लेंगे, तो दही करीब हमारा ये 50 ग्राम जितना है, और दही को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, दही में कोई चंक्स ना रह जाए। अब ये हम डालेंगे इसमें, देखिए ये मेरा है शान का अचार गोश्त का मसाला। और अगर आप जो है ये मसाला नहीं ले रहे बाहर का, आप घर पे भी मसाला जो है अचार वाला जो है उसको आप डाल सकते हैं। जीरा जाएगा इसमें, धनिया पाउडर जो जाएगा, और सौंफ पाउडर जाएगा, मंगरेल जाएगा यानी कि कलौंजी जाएगी, और जब मेथी दाना जाएगा, और सूखा मिर्च जाएगा। तो ये हमारा रेडीमेड शान का मसाला है, इससे बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी रेसिपी दी है, और ऐसे भी मसाला मैंने अचार का भी बना के दिखाया, आप लोग देखिएगा। तो आप चाहें तो अगर ये मसाला नहीं तो आप घर के मसालों से ही बना सकते हो, जो मैंने बताया मसाला उस मसाले से। तो इसे हम दही में डाल देंगे, 2 चम्मच हमने अलग निकाल लिया है, आगे मैं वो बताऊंगी किस लिए मैंने निकाला है। और बाकी का जो है पूरा जो है पाउच मैंने दही में मिक्स कर लेना है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें और मिर्च पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हो उस मसाले में। तो इसको हम डाल देंगे अब मटन में, थोड़ा पानी बाउल में डाल के हिला के डाल देंगे, और ये चला जाएगा, इसको मिक्स कर लेंगे हम। देखिए मसाले को चला लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स ये शान का मसाला है, ये बाहर मार्केट में ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाता है,
और इसे आप बनाइए चिकन में या मटन अचारी, तो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। मैंने कई बार इसे यूज़ किया है और मैं आप लोगों के लिए भी एक बार इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी शेयर की है और आज फिर मैं दोबारा कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसमें हम नमक भी डाल देंगे, देखिए टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दें। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच देखिए नमक लिया, बाद में आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और डाल दें। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, तो यहाँ पर 4 बड़े अदद के हमने टमाटर ले लिए, उनको कट कर लिया है, वो टमाटर भी इसमें चले जाएंगे। तो अब हम मसाला टमाटर सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे इसे इक्वल बराबर से, हर चीज पीसे से मसाला जो है मिल जाना चाहिए, टमाटर मसाला सब बराबर से मिक्स हो जाना चाहिए। तो इसमें अभी हमने कोई पानी नहीं डाला है। अब इसको हम लिड लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे जो है पकने देंगे 4-5 मिनट के लिए। तो देखिए इसे पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके थे, अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। मसाला भुनने के लिए इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही छोड़ दिया था मैंने। तो देखिए मसाला हमारा जो था वो अच्छी तरह से भुन गया, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अभी से ही। तो अब इसे हम चला लेंगे एक बार फिर से। तो टमाटर भी देखिए हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ पर पानी को हमने जो है थोड़ा गर्म कर लिया था, तेज़ गर्म है, और इसे हम डाल देंगे। तो अभी जितना 3 गिलास जितना पानी जो है आप इसमें भर के डाल दीजिएगा, अगर गोश्त आपका ज़्यादा है तो आप पानी ज़्यादा लीजिएगा। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे धीमे धीमे पकने देंगे। तो यहाँ पर जो हमने मसाला देखिए अलग थोड़ा सा निकाला था अचार का, उसमें हम निचोड़ेंगे नींबू का रस। तो आधा नींबू का रस हमने ले लिया, इसे हम मसाले में निचोड़ देंगे और निचोड़ करके इसको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए मिला लेंगे इस तरह से। और ये देखिए तो ये थोड़ा सा बाइंडिंग जैसा हो गया ना, जी हाँ। अब हम लेंगे ये मिर्ची और मिर्ची में भरेंगे ये मसाला। तो मटन अचारी जो सॉरी अचारी गोश्त जो बनता है मटन या चिकन जो भी आप बना रहे हैं इसमें भी, तो मिर्ची उसमें जाती है ये। तो मिर्ची में अगर हम थोड़ा सा अचार मसाला भी भर लेंगे तो और भी मज़े की ये लगेंगी। अगर हो सके तो आप मिर्ची में अचार मसाला भर के डालिएगा तो जो बहुत मज़े की लगती है। तो देखिए यहाँ पे ये मटन को गलते हुए कम से कम हो गए हैं फ्रेंड्स 15 मिनट्स हो गए हैं, और बीच बीच में मैंने इसे 2-3 बार चलाती भी रही हूँ और धीमी आंच पर ही मैंने इसे बनाया है। जब आप हांडी में बनाएंगे तो बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। तो ये मिट्टी की हांडी में जो है आप खाना बनाते हैं फ्रेंड्स, एक तो ये मटन अचारी इतना बेहतरीन बन के तैयार होता है, और उस पर अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो फिर क्या कहना, उसका स्वाद डबल नहीं 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही मज़े का लाजवाब बन के तैयार होता है, उंगलियाँ चाटते रह जाएँ लोग। तो यहाँ पर हम इसे चला के आपको दिखाते, देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए गोश्त गल चुका है, ये देखें तो मैंने नाइफ से देखिए थोड़ा सा लगाया तो ये गल गया है गोश्त हमारा, और इसमें थोड़ा सा देखिए पानी है, लेकिन अब हम इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस हमें इतना ही शोरबा रखना है, अब कोई इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर जो मिर्ची हमने रखी थी वो मिर्ची हम डाल देंगे मसाला लगा कर, वो मिर्ची इसमें चली जाएंगी। और बस हम धीमी आग पर इसे फिर कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि मटन हमारा जो है टेंडर हो चुका है, बस हमें मिर्ची को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बस ज़्यादा नहीं, बस 5-6 मिनट के लिए हम इसे धीमी आग पे कुक कर लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे यानी कि चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसे पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, और बस मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई चाहिए जितनी हमें जैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्ची गलाइएगा नहीं, पूरी गली भी मिर्ची नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतनी मिर्ची रखनी है आपको। तो हम जो है इसे बंद करके चूल्हा बंद कर देंगे, देखिए लिड लगा के और हम चूल्हा बंद कर देंगे, और अभी हम इसे नहीं खोलेंगे, कम से कम 15-20 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। तो अब इसे देखिए चूल्हा बंद किए हुए हमें हो गए थे 15-20 मिनट, तो यहाँ पर इसे हम दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हम इसे डिसआउट भी करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये मटन अचारी हमारा बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है, और क्या ही खुशबू आ रही है, बस भूख लगने वाली है कि बस जल्दी से भूख बढ़ जाने वाली खुशबू ऐसी आ रही है। तो ये मटन अचारी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो फटाफट से ट्राई कीजिए जाइए, और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सोच क्या रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी प्रेस कीजिए, और मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी से, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चलती हूँ, अच्छा अल्लाह हाफिज़।